तो कैसे हो आप लोग? बिल्कुल मस्त बिंदास झक्कास हो गए, है ना? आज क्लास लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए। बहुत वेट किया आप लोगों ने ना इस क्लास का, है ना? सुबह से वेट कर रहे होगे। कोई बात नहीं, अब मैं लेके आ गया हूँ क्लास आप लोगों का, जिसमें आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर हमें पढ़ना है किस तरीके से हम बड़ी से बड़ी जो नंबर होंगे ना, उनको छोटे से छोटे फॉर्म में लिख देंगे। इसी मेथड को बोलते हैं हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। चलिए, तो मैं और आप पढ़ने चल रहे हैं कौन सा टॉपिक, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। चलो आओ, लेट्स स्टार्ट। देखो होता क्या है इसमें कि अगर मैं लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर, तो मैं इसे लिखूँगा 5 × 5। अगर मैं लिख रहा हूँ कि 6 का स्क्वायर × 6 का 3, तो मैं क्या करूँगा, 6 × 6 × 6 × 6 × 6 लिख सकता हूँ। यानी छोटे से फॉर्म को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो मैं तो गलत कर दिया। मैंने क्या कहा, अभी हम सीखेंगे कि बड़े से हम छोटा कैसे करेंगे, है ना? यही तो हम मैंने कहा, लेकिन मैं तो यहाँ उल्टा कर रहा हूँ, छोटे से बड़ा कर दिया। गलत नहीं है, आप आगे देखो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर मैं कर दूँ 6³ × मान लो 6⁻¹, इतना कर दिया, तो फिर मैं करूँगा 6 × 6 × 6, ऐसे चलता रहूँगा। तो ये बताओ, क्या मैं इतनी बार, अभी तो 10 है, 3 फिर भी लिख ले जाओगे, लेकिन अगर 120 हो दिया हो यहाँ पर पावर में, कुछ और दिया, क्या उतनी बार हम लोग लिखेंगे? बताओ बताओ, नहीं ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ से हमारा एक रूल डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, देखो ये तो हमारा है बेस, है ना? ये क्या है, बेस, और ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों है पावर, है ना? ये बात समझ में आई? बेस मतलब इसे कि 7⁻¹, जो नीचे बैठा वही तो है बेस, जो ऊपर उड़ा वो है पावर वाला आदमी। भैया ज़्यादा मत उड़ो, है ना? तो उड़ो मतलब पावर वाला आदमी। ठीक है, चलो याद करने के लिए था ऐसा मजाक। ठीक है, चलो तो कोई तो यहाँ से हमारा फर्स्ट रूल डेवलप होता है, है ना? फर्स्ट रूल डेवलप होता है, ये कहता है कि जब हमारा बेस सेम हो और उनका मल्टीप्लाई करना होता है, तो एक्स और एक्स दो हो गए, इनका मल्टीप्लाई करना होता है, और जब पावर डिफरेंट हो, मान लो ये एम हो और ये एन हो, पावर डिफरेंट हो गई, तो हम इसे उतना बड़ा ना लिख करके डायरेक्ट लिखेंगे एक्स की पावर में एम प्लस एन। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। ठीक है, इतनी बात क्लियर, यही था हमारा। तो मैं इसको इतनी बार ना लिख करके यहीं पर लिख दूंगा ख़त्म, कुछ नहीं, यहीं पर लिख दूंगा डायरेक्ट, क्या 6³ × 10³, 13, ख़त्म, आंसर। नहीं लिख चल रहा हूँ उतनी बार, समझ में आ गया है ना? चलो आओ, ये तो कर लिया हमने फर्स्ट की बात और मल्टीप्लाई की बात। चलो आओ, अगर कहीं डिवाइड दे रखा हो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। मान लो अगर मैं लेता हूँ 7⁻¹, ठीक है, और यहाँ 7⁴ लिखा है, तो फिर मैं यही करूँगा। मान लो 7 × देखो मैं 10 बार इसको लिख दिया अपॉन में 4 1 2 3 4, ऐसा कर दिया, है ना? अब क्या करूँगा, कैंसिल आउट करूँगा ऊपर नीचे, है ना? कैंसिल आउट कर दिया, कितना बचा, 1 2 3 4 5 10 था ना, 10 में से 4 चला गया, तो कितना बचा, 7⁻¹, ठीक है, 6 बचा, है ना? तो देखो मैं क्या करूँगा, इतना सब ताम झाम करूँगा तब जाकर के मेरा आंसर आएगा। तो भैया मुझे इतना ताम झाम नहीं करने आता, मुझे तो बस सिंपल सा पता है कि जब भी, क्या जब भी हमारा बेस सेम हो, देखो बेस सेम है और पावर डिफरेंट हो, पावर मान लो ये एम हो और ये एन हो, थोड़ा सा इसको बड़ा लिख दूँ, ये एक्स पावर एन हो, तो जब भी ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, एक्स की पावर एम माइनस एन कर देते हैं। ये हो गया हमारा रूल सेकेंड। ठीक है, तो देखो करना क्या था, 10 में से 4 गया 6, ताम झाम खत्म, डायरेक्ट आंसर, ये रही बात। और देखें, चलो अगर कहीं ऐसे दिया हो, चलो मैं इसे ऐसे क्वेश्चन डाल देता हूँ, ठीक है, अगर कहीं ऐसे दिया हो 7⁴ और पावर 3,
अगर ऐसे दिया हो तो अब क्या करोगे, 7 को 4 बार लिखोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 3 टाइम लिखोगे? नहीं, यहाँ पर कहता है कि अगर, हाँ यही अगर के साथ हमारा फॉर्मूला डेवलप हो रहा है। देखो कह रहा है कि अगर हमारा बेस मान लिया एक्स है, ठीक है, अब पावर उसकी कुछ एम दी हुई है और उसकी भी पावर कुछ एन दी हुई है, अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्स की पावर एम इंटू एन कर देते हैं। ये हमारा निकल के आ गया थर्ड। ठीक, मजे मस्ती के साथ चलते रहो, समझ में आया, आ गया ना? देखो इतना आया, अभी और भी है। आओ अब क्या है, अगर हमारा, देखो मान लो अगर ये 4 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 है, तो देखो अगर हमारा बेस डिफरेंट हो, तो मान लो मैं बेस मान लेता हूँ यहाँ पर, एक को एक्स मानता हूँ एक को वाई मान लेता हूँ, तो अगर हमारा बेस डिफरेंट हो मगर पावर सेम हो, अच्छा और ऊपर लिखूँ इसको एक्स और वाई, और पावर सेम हो मतलब ये भी एम है ये भी एम है, अगर ऐसा हो बेस डिफरेंट पावर सेम, तो हम क्या करेंगे बताओ? अब हमें क्या करना है, इन्हीं एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करके ये पावर को एक बार लिख देना है, और यही डेवलप हो गया हमारा रूल नंबर 4। समझ में आया, मज़े के साथ बिल्कुल, देखो टेंशन के साथ नहीं, इधर मैं एक प्रोसेस कर रहा हूँ और इधर हमारा मेन प्रोसेस निकल के आ रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं वो बेवकूफ़ है, वो बहुत ईमानदार है, बहुत दिमागदार है, उसके साथ साथ ही इसे हम कर सकेंगे, तभी तो मैं इसका हेल्प ले रहा हूँ, तब ये डेवलप कर रहा हूँ, ऐसा नहीं इसको डेवलप कर दूँ तब ये कर रहा हूँ, चीज़ों को बारीकी से समझो। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ, अरे आओ भी, आ जाओ जाओ जाओ। देखो मैं कह रहा हूँ अगर कहीं पर, मान लो अगला देखो, अगर कहीं पर दिया हो a की पावर में m इज इक्वल टू है a की पावर में m, है ना, अगर ऐसा दिया हुआ है, मुझे यहाँ पर यह बताना है कि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये मुझे बताना है। ठीक है, अगर पावर 1 है तो वही 7 एक बार हो जाएगा, लेकिन पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखो मैं कह रहा हूँ, मान लो a इक्वल टू m इक्वल टू a इक्वल टू m दिया हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, a की पावर m अपॉन में इसको इधर लेके आ जाऊँगा तो a की पावर m मान लूँगा, है ना, कुछ नहीं है, यहाँ मान लो 1 से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई इधर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। ठीक, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई, अब क्या करना है, ये देखो ये चीज़ दो बार है, तो डिवाइड का रूल है, और डिवाइड का रूल क्या कहता है, जब हमारा बेस सेम हो तो हम m माइनस एन कर देंगे। देखो बेस सेम है तो मैं क्या करूँगा, a की पावर m माइनस एम इज इक्वल टू 1, तो यानी a की पावर 0 इक्वल टू 1, समझ में आया, जादू है ना। देखो तो यहाँ से हमारा अगला निकल के आ गया क्या, a की पावर m इज इक्वल टू 0, इनको समझो, अगला एक्सरसाइज मजे मस्त होगा। ठीक है, ये आ गया, इसके बाद देखो एक और है, इसके बाद ख़त्म। देखो अगला देखो, अच्छा कह रहा है ना, अगर कहीं लिखा है मान लो 7 की पावर माइनस 3 लिखा है, तो अपने आंसर को हम यहाँ पर स्टॉप नहीं करते, किसी की पावर हम नेगेटिव नहीं छोड़ सकते, अब करेंगे क्या, कह रहे हैं भैया नेगेटिव नहीं छोड़ सकते, तो अगला तो बता दो क्या करोगे, है ना, मैं बताता हूँ क्या करेंगे, मैं इसे क्या कर सकता हूँ, तो मैं इसे करूँगा 1 अपॉन में 7 की पावर 3, नेगेटिव चेंज हो गया पॉजिटिव में, है ना, इसलिए मैं अगला यहाँ पर कह सकता हूँ कि अगर कहीं a की पावर माइनस m है तो मैं उसे 1 अपॉन m के फॉर्मेट में चेंज कर दूँगा, है ना, यही था, तो मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 फॉर्मूले कह लो, वैसे तो सब समझा के निकाला हूँ ना, है ना, तो टेक्निक कह लो, ये 6 टेक्निक है हमारी अगली जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसे सॉल्व करने की, तो उस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, इतना तब तक बिल्कुल प्रैक्टिस में ले लेना,
ठीक है। आ जाओ मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, इस पे देख लो। आ जाओ देखो, क्वेश्चन है कहीं दिया है 2 की पावर 5 × 2 की पावर 6, जरा बताओ क्या होगा आंसर। देखो बेस सेम है, ये देखो बेस सेम है, जब बेस सेम है तो क्या पावर का एडिशन, यानी 2 की पावर 6 5 11। वैसे भी एग्जांपल के साथ ही करते हुए आए हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें का क्वेश्चन डिफिकल्ट लिख, क्या डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा तुम लोगों के लिए मैं ले लेता हूँ। मान लो अगर 2 की पावर लिखा है 3/5 है ना, इंटू 3 की पावर लिखा है 3/5, अब बताओ क्या करेंगे, बताओ भी। अब देखो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये लगेगी, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो क्या करेंगे 2 × 3 की पावर 3/5 लिख देंगे एक बार पक्का। अब देखो 2 × 3 = 6 की पावर 3/5, समझ में आ गया है ना, बहुत इजी है। यही कह रहा हूँ, इसको अगर पता है तो अगली एक्सरसाइज मेरी यूँ होगी, चुटकियों में कैसे होगी, यूँ होगी, ठीक है। इसलिए बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लो इन सबको, ठीक। चलो अगला और भी क्वेश्चन करा दूँ, देखो तो आओ देख लो अगला क्वेश्चन। मान लो दिया है 3/1/3 × 3/2/3, ऐसा दिया है, क्या करोगे। देखो फर्स्ट वाला बेस सेम है तो इसे एक बार लिखेंगे, पावर को एडिशन यानी 1/3 + 2/3 कर डालेंगे। अब ये नहीं करने आता किसी को, है ना, तो उसके लिए भैया प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वैसे भी क्लास 9th में पहुंच चुके हो, फिर भी मैं बता दूंगा। देखो आ जाओ, हाँ ताना नहीं मारूंगा कि मतलब कहोगी सर ताना मारते हैं, चलो ऐसा है मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, दो फ्रैक्शन है, हैं देखो क्या करेंगे। इजी मेथड भी है लेकिन एक ऐसा मेथड समझो जिससे सब हो जाए, यहाँ तो बेस सेम है, चलो लिख लो, जब बेस सेम हो ना तो इसे एक बार लिख लो, मतलब ऐसे 3 और ऊपर वाले को जोड़ लो, 3 कट गया 1 आ गया, है ना। लेकिन जब एक मेथड देखो, 3 का एलसीएम निकालो 3 होगा, इसको इससे डिवाइड करो, डिवाइड करने में कितना आया 1, अब जो 1 आया ना उसको ऊपर वाले के साथ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, बीच में प्लस है तो प्लस, इसको इधर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, यानी हो गया 3/3 कैंसिल आउट 1, यानी ये क्या हो गया 3/1 हो गया, यानी ये हो गया 3। अगर पावर 0 होता तो आंसर 1 आता, लेकिन पावर 1 आ गया इसलिए आंसर क्या 3 होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई है ना, चलो ठीक है। अब मैं इसकी अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, बात क्लियर। वीडियो अच्छी लगी हो, छोटी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना, मुझे नहीं और लोगों को बताना, मतलब शेयर कर देना। इसलिए लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और अपडेट रहो। इसी के साथ बाय बाय, अपना ध्यान रखना।